दोस्तों आज हम बताएंगे कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, मतलब कि अगर आपके पास पैनल है तो कितनी बिजली ठंड के मौसम में आपको बना के दे सकती है, कितना यूनिट आपको बिजली मिल सकता है, आज हम बताएंगे इस वीडियो में लाइव जो है। और इसका रिजल्ट जो आपके सामने हम पेश करेंगे, एकदम रियल पेश करेंगे, जो शायद आप लोग को नहीं पता। थोड़े को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा 1 किलोवाट का। तो ठंड के मौसम में अगर कोहरा पड़ रहा है तो 1 किलोवाट का सोलर आपका अधिक से अधिक 2 से 3 यूनिट बिजली बना सकता है। इससे ऊपर वो नहीं बना पाएगा, बल्कि अगर कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, अगर बदरी है, धूप नहीं हुआ है, तो 1 से 1.5 मिनट ही बना पाएगा, इससे ऊपर नहीं बना पाएगा। हाँ, उसमें शर्त एक और है कि अगर आपका सोलर बढ़िया क्वालिटी का है, अगर आपका इन्वर्टर हाई बूस्टिंग MPPT वाला है, तो आपका 3 से 4 मिनट भी बना सकता है। ये मैं रियल टेस्टिंग किया हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखो, तो सब कुछ सोलर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस टाइप का है, कितना वो बूस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है तो आप 1 से 2 मिनट मान के चलो। अगर आपका सिस्टम थोड़ा हैवी है तो कोहरा में, बदरी में आपको आराम से मिल जाएगा 3 से 4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो उसमें आपको 3 से 4 यूनिट मिलेगा, वो भी अगर आपका कोहरा बदरी पड़ रहा है। अगर आपका कोहरा बदरी नहीं है, सिस्टम आपका बढ़िया है, कोहरा बदरी हल्का है, सिस्टम आपका थोड़ा मजबूत है, तो आपको कम से ना कम दोस्तों 8 से 10 मिनट तक मिल सकता है। अगर आपका 3 किलोवाट का सेटअप है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 5 से लेके 8 मिनट तक मिल सकता है, कोहरा बदरी है। और आपका सेटअप अगर बढ़िया है तो आपका कम से ना कम 13 से 14 मिनट तक जा सकता है। और आपका सेटअप बढ़िया है, थोड़ा हल्का फुल्का अगर मान लो कोहरा कम है। यहाँ पे अब बात करता हूँ 4 किलोवाट का। अगर 4 किलोवाट का सेटअप अगर आपके पास है फिर, तो अगर आपका सेटअप बढ़िया है, फर्स्ट क्लास बूस्टिंग वाला सिस्टम है, तो कम से ना कम आप जो है पा सकते हैं 15 से लेके 20 मिनट तक का बिजली आराम से आप 4 किलोवाट के सेटअप पे। अगर आपका सेटअप बढ़िया है, सब कुछ सही है, अगर आपका सेटअप गड़बड़ है तो आप मुश्किल से 12-13 यूनिट ही पा पाएंगे, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। अब बात करता हूँ कि अगर आपके पास 5 किलोवाट का सेटअप है, या 6 किलोवाट, या 7 किलोवाट का है, तो दोस्तों अगर आप इसको एक अच्छे ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर पे लगाए हैं और आपका अगर सेटअप में दम है, अच्छा दम, बेजोड़ क्वालिटी का है, पैनल भी बढ़िया कंपनी का है, दोस्तों आपको कम से ना कम 25 से 30 यूनिट पर डे बिजली आपको मिलेगा इस माहौल में, अगर वो सेटअप बढ़िया है। अब बात करता हूँ 10 किलोवाट का फ्रेंड। देखो, 10 किलोवाट एक हैवी सेटअप हो गया। इसमें दोस्तों आप 10 किलोवाट लगाओगे तो आपका जरूर हैवी सेटअप होगा, सिस्टम बढ़िया होगा, तो उसमें आपको 250 मिनट तक बिजली को देखने को मिल सकता है। मैं इस माहौल की बात कर रहा हूँ। अब कैसे, देखो मैं टेस्टिंग करता हूँ और इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको अपने सेटअप पास चलूँगा, आपको दिखाऊंगा। अभी देखो मेरे पास 8.5 किलोवाट का सेटअप है। कोई भी देखो यहाँ पे धूप नहीं है, पूरा बदरी है, हर तरीके से आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है, एकदम धूप का कोई माहौल नहीं है। तो हम इसके लिए टेस्टिंग करते हैं, सेटअप के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना हमें मिल सकता है, और इसका पूरा रियल बातें हम शेयर करेंगे। चलिए ले चलते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे 7 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहा है आपके सामने, और लोड करीबन 165 से 200 वाट समथिंग है, मतलब कि लाइट वेट चल रहा है, फैन तो सुबह चलेगा नहीं, और सुबह का टाइम है दोस्तों, तो मतलब कि आप दिमाग लगा सकते हैं इस समय कि सुबह के टाइम में हमारा 8.5 किलोवाट का सेटअप है, मतलब कि अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका विदाउट लोड का 10 से 11 एम्पीयर चार्जिंग निकाल रहा है, विदाउट लोड का, सुबह के टाइम में, कोई धूप नहीं, बदरी है, माहौल खराब है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज का आप लोग ध्यान देना, सब कुछ सोलर पे ही डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपका सेटअप किस तरीके का है, आपने सोलर को किस तरीके से सेटअप किया है, आपने किस टाइप का वायर लगाया है। देखो, सब कुछ मैटर करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो सोलर है, मैंने पैनल लगा दिया, सेटअप बढ़िया से नहीं किया, तो ऐसा गलती मत करना। देखो, सोलर लगा लेना एक बड़ी बात नहीं है, सेटअप करना,
कैसे उसको कहाँ पे क्या फिटिंग करना है, कितना एंगल क्या लेना है, ये सब बातें जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो बताया इस वीडियो में उतना मैं लाइव टेस्टिंग किया हूँ, काम भी किया है। तो ये मेरी रियल बातें थी जो मैंने आपके संग आज इस वीडियो में शेयर किया। तो याद रखना फ्रेंड, कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पैनल है, वो बदरी में कम बिजली पैदा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अच्छे से सेटिंग किया है तो आपको एक अच्छी बिजली देखने को मिलेगी और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ अपने सिस्टम से। तो यह है इसकी पूरी कहानी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आपने जाना समझा। तो आपको मैं राय दूंगा कि आप एक बढ़िया कंपनी का पैनल लगाएं, लुमिनियस, यूटीएल, ये आपको एक अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।